मतदाताओं को जागरूक करने के लिए ऊना के इंदिरा स्टेडियम में 5000 से अधिक लोगों ने अनोखे अंदाज में मतदाताओं को जागरूक कर वोट डालने के लिए प्रेरित किया। कार्यक्रम में विभिन्न स्कूलों के बच्चों व आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं मानव श्रृंखला के रूप में भारत का नक्शा बनाया। उपायुक्त राकेश कुमार प्रजापति ने उपस्थित लोगों को मतदान की शपथ दिलाई। उपायुक्त ने कहा कि इस कार्यक्रम का उद्देश्य ज्यादा से ज्यादा मतदाताओं को वोट डालने के लिए प्रेरित करना है ताकि मतदान का प्रतिशत बढ़ाया जा सके। डीसी ने कहा कि पूरे जिला में मतदाता जागरूकता अभियान छेड़ा गया है जिसके अंतर्गत कई कार्यक्रम आयोजित किए जा चुके हैं। पंचायतों व विभिन्न शिक्षण संस्थानों में अलग अलग गतिविधियों के माध्यम से वोटरों को जागरूक किया गया है और ये अभियान अभी आने वाले दिनों में भी जारी रहेगा। जैसा कि आपको बताया कि 19 मई को मतदान होने हैं हिमाचल में और चुनावी 19 को मतदान होने हैं, उसी के मद्देनजर पूरे जिले में स्वीप के कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, बहुत इनोवेटिव प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं और आज उसी कड़ी में आज भारत के मानचित्र पर एक बहुत बड़ा ह्यूमन फॉर्मेशन बनाकर ये शपथ ली गई है कि न सिर्फ जो लोग यहाँ इकट्ठा थे वो मतदान करने के लिए जाएंगे, अभी तो जितने भी उनके आस पड़ोस के लोग हैं या उनके माता पिता हैं उनको भी प्रेरित करेंगे मतदान करने के लिए। तो आज इस ह्यूमन फॉर्मेशन में लगभग 5000 लोगों ने पार्टिसिपेट किया और एक साथ लगभग 5000 लोगों ने वंदे मातरम और जनगण मन का वादे किए। बिल्कुल, ये जो अभियान है निरंतर जारी है, 19 मई तक ही जारी रहेगा और मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि ये जो 5000 लोग हैं एक तरह से हमारे एम्बेसडर्स के तौर पे काम करेंगे और ये 5000 आने वाले वक्त में अगले 50000 लोगों को मतदान के लिए प्रेरित करेंगे। इसके अलावा हमने मतदान पत्र भी अभी अभी बनवाए हैं, संकल्प पत्र बनवाए हैं जो लगभग 50000 मतदाताओं को हम फील्ड में देने वाले हैं। आज आपने देखा होगा कि लगभग 1000 से ऊपर आंगनवाड़ी वर्कर्स ने भी इस कार्यक्रम में पार्टिसिपेट किया। इन वर्कर्स के माध्यम से हम हर घर में पहुंचने वाले हैं, चाहे वो हमारे दिव्यांग मतदाता हों या बुजुर्ग मतदाता हों या अन्य। दिव्य हिमाचल वेब टीवी के लिए ऊना से मुनिंदर अरोड़ा के साथ अनिल पटियाल की रिपोर्ट।